पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ, अब पंजाब में इंकलाब हुआ, अब ये इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। दिल्ली की सरहद के बाहर आम आदमी पार्टी न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, बल्कि बहुमत के आंकड़े से भी बहुत आगे निकलती नजर आ रही है। आपके सीएम कैंडिडेट भगवत मान ने भी 45,000 वोटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। इधर कांग्रेस से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों चुनाव हार गए हैं। पंजाब में बंपर जीत के बाद केजरीवाल ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। पार्टी वर्कर्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कैप्टन सिद्धू, चन्नी, मजटिया सब हार गए, पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया, यह बहुत बड़ा इंकलाब है। बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह का सपना पूरा होने लगा है। पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ, अब पूरे देश में इंकलाब होगा। आपको पता है चन्नी को किसने हराया? लाभ सिंह ने। लाभ सिंह मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करते हैं। उनकी माताजी सरकारी स्कूल में काम करती हैं, पिता खेती करते हैं। इसके बाद उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पता है नवजोत सिंह सिद्धू को किसने हराया? आम वॉलंटियर्स ने मजटिया और सिद्धू दोनों को हरा दिया है। सभी से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि भगत सिंह के सपनों को पूरा करने का नाम है, सभी ज्वाइन करें। इसके बाद केजरीवाल ने पंजाब के नए सीएम यानी भगवत मान को भी इस जीत की बहुत बधाइयां दी। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।